बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं जैन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट कंट्रोल से रिलेटेड जो हिडन फीचर्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है माई नेम इज जैन। अगर आप देखें तो मेरा ये जो टेक्स्ट है वो एक सेल में कंप्लीट पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा सा ये नेक्स्ट सेल में शिफ्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सारे का सारा टेक्स्ट एक सेल में ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाए। एक मेथड तो ये है कि हम इसको यहाँ से मैनुअली साइज को कम कर लें, लेकिन इसमें हमारा कुछ टाइम कंज्यूम होगा। आपने जस्ट क्या करना है, अलाइनमेंट में ये देखें यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से टेक्स्ट कंट्रोल में से आपने श्रिंक टू फिट पर चेक लगाना है और ओके कर देना है। लेकिन जैसे मैंने ओके किया तो मेरा सारे का सारा जो टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली श्रिंक होके एक ही सेल में फिट हो गया। मैं अब दोबारा से कंट्रोल जेड की प्रेस करता हूँ, इसको वापस नॉर्मल हालत में लेके आता हूँ। नेक्स्ट स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने श्रिंक को सीखा, अब हम जो मर्ज में हिडन फीचर्स होते हैं उनको डिटेल के साथ एक्सप्लोर करेंगे। ये देखें यहाँ पर मेरे पास मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, तो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन चूंकि सामने हमेशा हो रहा होता है तो इसको यूज़ करना तकरीबन सबको आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एरो पर क्लिक करें तो इसके जो सब फीचर्स हैं, कुछ मजीद उसमें ऑप्शंस हैं, ये थोड़े से हिडन होते हैं, इनको यूज़ करना मोस्टली लोगों को इसको यूज़ करना नहीं आता। ये देखें, मैं अभी यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और कुछ रोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अगर जाऊँ, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूँ तो सारी की सारी रोज़ मेरी यहाँ पर मर्ज हो जाएंगी और मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। मैं दोबारा से यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये अनमर्ज हो जाएगा। तो ये तो सिंपल मर्ज एंड सेंटर था, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस से क्या होगा, मर्ज अक्रॉस से ये होगा कि अभी मैंने यहाँ से चार रोज को सिलेक्ट किया हुआ है तो तमाम की तमाम रोज जो होंगी वो सेपरेटली जो है वो मर्ज हो जाएंगी। मैं देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मर्ज अक्रॉस करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर 1, 2, 3, 4 फोर रोज में, हर रो में 2-2 सेल्स जो हैं वो आपस में मर्ज हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट फीचर है मर्ज का। इसी तरह अगर मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँ तो लास्ट में मेरे पास अनमर्ज का ऑप्शन है, मैं अनमर्ज करूँगा तो मेरे पास जितने भी सेल्स होंगे वो अनमर्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें ऑप्शन है वो है मर्ज सेल। मर्ज सेल और मर्ज एंड सेंटर में सिर्फ फर्क ये है कि मर्ज एंड सेंटर से ये होता है कि जब हम किसी सेल को टेक्स्ट को मर्ज करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होता है उससे उस रेंज में सेंटर में भी आ जाता है। लेकिन अगर हम जस्ट मर्ज सेल करें तो इससे हमारी जो रेंज होगी वो मर्ज तो हो जाएगी लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में नहीं आएगा। मैं दोबारा से यहाँ पर क्लिक करके इसको अनमर्ज कर लेता हूँ। हमने श्रिंक टू फिट सीख लिया, मर्ज में जो डिटेल के साथ इसमें हिडन फीचर्स थे उनको एक्सप्लोर कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली इसी सेल में फिट हो जाए लेकिन रो की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। ये देखें, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं रो हाइट में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 15.75 रो है, रो की जो हाइट है। अब मैं क्या करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो होगा क्या, मेरा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली इस सेल में जो है वो फिट हो जाएगा। अब दोबारा से मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो देखें ये जो मेरा एक सेल है, सेल में ऑटोमेटिकली मेरा जो टेक्स्ट है वो रैप हो गया है और मेरे सेल की जो हाइट है वो हाइट 50 से बढ़ के 31.5 पे पहुंच गई है। तो ये थे टेक्स्ट को कंट्रोल करने के कुछ हिडन फीचर्स, जिसमें हमने श्रिंक सीखा, मर्ज के डिटेल फीचर्स जो है इनको सीखा और हमने रैप टेक्स्ट को सीखा। आई होप कि आपको आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसी तरह की मजीद ऑफिस से रिलेटेड वीडियो से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।